रेगिस्तान में महासंग्राम आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया है और किंग्स इलेवन पंजाब ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दिया गया 164 का टारगेट किंग्स इलेवन पंजाब ने हासिल कर लिया 5 विकेट के नुकसान पे और मैच अपने नाम किया है। सबसे पहला रिएक्शन रीमा आपसे लूंगी, किंग्स इलेवन पंजाब का बहुत शानदार कमबैक ये रहा, लगातार तीसरी जीत, शिखर धवन ने धमाल किया लेकिन काम नहीं आया। जी हाँ, सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है किंग्स इलेवन पंजाब को, तीसरी जीत वो भी 3 टॉप टीम के अगेंस्ट, आरसीबी, मुंबई इंडियंस और अब डीसी। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये टीम अब तैयार है और ऐसी वापसी कम देखने को मिलती है। हमने पहले सुना था कि सीएसके ऐसी वापसी के लिए जाना जाता है, लेकिन किंग्स इलेवन ने दिखा दिया कि अगर आप घोड़ों पे दाव लगाते हैं, देखिए मैक्सवेल ने आज परफॉर्म किया है जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ, पूरन ने परफॉर्म किया, शमी ने अच्छी गेंदबाजी की, आज एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखा कि अगर राहुल और मयंक पर टीम डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों नहीं चले, उसके बावजूद ये टोटल चेस किया। और सबसे अच्छी बात, डेथ बॉलिंग में आज कम रन दिए 162 पे, अगर आप रोकते हो किसी टीम को, यानी कि जो कमजोरियां जिससे लगातार जूझ रहा था किंग्स इलेवन पंजाब, आज उन कमजोरियों से जरूर पार पा लिया है। लेकिन जीत की बड़ी वजह क्या रही उस पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की एक टीम एफर्ट आज मैदान में देखने को मिला, डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर खुद को बचाते हुए जरूर नजर आए, दिल्ली को 164 रन के स्कोर पर रोक दिया। और इसी गेंदबाजी की बात अभी रीमा भी कर रही थी, मैक्सवेल पूरन के 69 रन की जो पार्टनरशिप रही वो जीत की एक बड़ी वजह रही। और बीच के ओवर्स में भी रन रेट बनाए रखा, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। और दिल्ली कैपिटल्स लेकिन क्यों हारी, हार की वजह उनकी क्या रही उस पर भी नजर डाल लीजिए। दिल्ली कैपिटल्स में शिखर धवन ने जरूर अच्छा खेला, लेकिन शिखर धवन को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाज आज के मैच में फ्लॉप नजर आए। मिडिल ओवर्स में रन की धीमी रफ्तार देखने को मिली, बढ़त इन्होंने नहीं बनाई। और दूसरा, ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जारी रहा, ये एक बड़ा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं रहा है। और रीमा दूसरी तरफ एक कमजोरियों की हम बात करें, डेथ ओवर्स भी हमने बात की, उससे ओवरकम आज टीम ने किया, डेफिनेटली अप्रिशिएट करना होगा।